उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धामों में से एक केदारनाथ धाम की रौनक अब बढ़ गई है, क्योंकि महादेव के इलाके में सीजन में पहली बार बर्फ जो गिरी है, जिससे लगता है कि जैसे श्रद्धालुओं की मुराद पूरी हो गई हो। एक तरफ श्रद्धालु बाबा केदार का दर्शन कर रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो दूसरी ओर भोलेनाथ अपने भक्तों के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी से मौसम में ठंडक तो बढ़ गई, लेकिन पूरा धाम और खूबसूरत दिखने लगा। बर्फबारी से श्रद्धालु गदगद हैं, क्योंकि उनको 20 सितंबर को दोहरी खुशी मिली है। एक तो धाम में बाबा केदार का दर्शन का सौभाग्य, दूसरा सीजन का पहला स्नोफॉल। यात्री बर्फ से ढकी वादियों को देख रोमांचित हो रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ के अलावा हेमकुंड की ऊंची चोटियों में बर्फबारी से पूरा इलाका चमकने लगा है। धाम के आसपास के पहाड़ों की रौनक बढ़ गई है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के चार धामों में से एक है, जिसकी खूबसूरती बर्फबारी के बाद और ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ केदारनाथ धाम की यात्रा इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। 5 महीने से भी कम समय में इस बार 12 लाख तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं, जबकि अब भी करीब 1 महीने की यात्रा बची हुई है। केदारनाथ यात्रा के इतिहास में पहली बार 12 लाख से ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुँचे हैं। 2 साल बाद आए मौके को भोले का कोई भक्त गंवाना नहीं चाहता, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अभी केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में और इजाफा होगा। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।